न्यूज एजेंसी एनआईके स्वतंत्र साक्षात्कार नवीन पांड्या बर्षि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पचिश बचारूल मौलिक सुविधा जोगेदे फेल मारि विजेडी सरकार ओड़शा ने चली आउटसोर्स सरकार मुख्यमंत्री को भेटिकारी नाइपार के मुख्य शासन सचिव नवीन को रूम के सीधा सल टेलीफोन जोड़ा नहीं जामेन्द्र ओडा कहार नाइ एक लोकसभा और विधानसभा ने स्पष्ट बहुमत सागेजेपी सरकार गढ़वा बोलभक्त भरी छोड़ मोदी पुख्ता जानकारी है उनकी कमरे में टीवी है सारी इंग्लिश चैनल है एक भी उड़िया चैनल नहीं है मैं नवीन बाबूजी को जानता हूं मैं 2001 से नवीन बाबू को निकट से जानता हूं नवीन बाबू शाम को सात बजे उड़िया चैनल दिखते थे कि क्या राज्य की स्थिति है आज उड़िया चैनल उनकी कमरे की टीवी में नहीं है नबीन निवास की खबर है डायरेक्ट टेलीफोन कनेक्शन उनकी रूम पे नहीं है आप सीधा बात करो आप अकेले में आप एक बार आप आप भी इतने बार नबीन निवास मित्र भी उनके हो आपको नवीन जी मैं थोड़ा आपके साथ आधा घंटा वन टू वन गपशप करूंगा थोड़ा करके देखिए कोशिश करिए आप मानते हैं कि वो चीज इन टोटल कंट्रोल देखो मैं उस शब्द में देखो मेरा भी एक तरीका है बातों को रखने के लिए मैं उस विषय मेरे राज्य किसी की जागीर नहीं है मेरे राज्य की निर्णय को ऐसे कोई हड़प नहीं कर सकता है आप बार-बार आउटसोर्सिंग कहते हैं जो 25 साल से इस राज्य में है आप उनको क्या, किस आउ... किस भूमिका में है किस भूमिका में है मेरे प्रदेश की जनता को नवीन बाबू जी अंडरस्टैंड करेंगे तो होगा नहीं ना या उनकी जो एक मेके है आउटसोर्स जिसको फिर आप कहोगे कि ऐसे क्यों कहते हो आउटसोर्स मैकेनिज्म जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो, है, इस हैं, आ है। है, वो आ, संकेत इस पर कर रहे हैं कि आ, एक तो टाइट निट पार्टी है आपकी लेकिन बहुत डिसीजंस टॉप से आती हैं और उसके बाद जो लोअर लेवल को छोड़िए

तो मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आती हूँ बीजेडी ने बहुत ही स्ट्रांग नेता रखा अपने आप, आपके खिलाफ ऐसा क्यों किया उन्होंने जो प्रणब प्रकाश दास हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं गलत जगह पे प्रश्न पूछ रहे प्रश्नता जी तो मैं कैसे उत्तर दूंगा मैं... कोई तो रीजन होगा ना न, मैं नहीं मानता हूँ देखिये सुनिये मैं बताती अच्छा मैं बताती हूँ मेरा क्या मतलब की कि किसी ना किसी तरह बीजेपी का प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को हराना है मैं तो लोकसभा ही लड़ रहा था आई नो गला हम ही चला सकते है, हम ही, हम, हमारी ढंग से ही दुनिया चलने वाला है ये अहंकार प्रजातंत्र में नहीं चलता है और मैं कोई व्यक्ति को जो व्यक्ति मेरे सामने लड़े वो तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप में मेरा कोई विषय नहीं है उनके साथ मुद्दा ड़ीसा के गांव में पीने की पानी जाएगा कि नहीं जाएगा इक्कीसवीं सदी में मेरे नौजवानों की स्वास्थ्य कैसे होगा पर संबलपुर में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना इट इज पानी का मुद्दा तो है नहीं ना मैं नहीं। आपको नहीं। का सबसे बड़ा डैम नहींबलपुर हाँ, है मार्च महीने में डायरिया हो गया वहां मैं आपको कह रहा हूं ये लोग कह रहे हैं कि हमने परिक्रमा प्रकल्प बना दिया कालीपुरी में एक दुर्घटना हुई जिला अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं था अभी तक पांच लोगों की मौत हो गया वो है क्रैकर बस हुआ था। जिला अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं था अपराध तफरी मच गई कोई शासन है क्या उड़ीसा में प्रचार से शासन नहीं होता है बड़े लच्छेदार अंग्रेजी और हिंदी से प्रशासन नहीं चलता है स्मिता जी जमीन पर काम उतरना होता है जो मोदी जी ने किया है देश में यहाँ पे लोग कहते हैं लोकल मीडिया कह रही है कि ये जो भी जरा भी डाउट था कि देर डिविजन इन द पार्टी बीजेपी में आ, तो वो दिखाई दिया कि इस इस बार बार नहीं था इस बार, आ, एक साथ प्रचार किया क्या ये सोची समझी रणनीति थी, थी कि कोई कि गलत हुआ नहीं मैं पूछ नहीं मैं हमारी पार्टी सब समय हमारी पार्टी उड़ीसा में पहले छोटा पार्टी था नहीं सर मैं कंपैरिजन करूँ तो कर्नाटक में ऐसा नहीं होता मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पार्टी 2014 तक राज्य की तीसरी नंबर की पार्टी थी 2019 में हम लोग दो नंबर की पार्टी में आए इन दोनों में समाज जीवन के बहुत बड़े बड़े लोग पार्टी में आए पार्टी की ताकत बढ़ी है जब बहुत लोग आए तो हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा इस बार हम मिलकर लड़े और मैं मानता हूं उड़ीसा की सबसे राजनीति बड़ा फैक्टर है माननीय श्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी के प्रति यहां की जनता की अतूट श्रद्धा और विश्वास है इसीलिए हम 45 प्रतिशत वोट लोकसभा में लेंगे इसीलिए मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ कहता हूं 21 की 21 लोकसभा इस बार हम जीतेंगे के 21 लोकसभा हम जीतेंगे और बहुमत भी हमको मिलेगा हम यहाँ राज्य में सेवा के हमको अवसर मिलेगा मोदी जी ने अपील किया है प्रदेश की जनता उसी को भरोसा कर रहा है और यहाँ जो विशेष परिस्थिति बना विकास और अस्मिता ये दोनों लोगों के मन में छू गया है लाभार्थी वाला जो वोट होता है ये

माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोदी फोविया है मोदी जी की कुछ भी नाम आए तो उसको लागू नहीं करना इनकी एक रणनीति है पर इनकी बहुत खास दोस्ती थी देखो ये एक तो एक एक व्यक्तिगत संपर्क अलग बात है लेकिन उन्होंने मैं तो करके कह सकता मोदी जी की कल्याणकारी योजना को उड़ीसा में बिल्कुल लागू नहीं किया गया लाभ जो लेना था वो सब लिए लेकिन जब योजनाएं लागू करना था उनके मन में एक विषय था कि भले ही प्रदेश की जनता की नुकसान हो जाए लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता ना बढ़े प्रदेश की जनता उसमें रिएक्ट किया है उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी नवीन बाबू की जेब में है उड़ीसा में कांग्रेस की पूरा टिकट नवीन बाबू ने ही बांटा है उनकी जेब में बी टीम छोड़ दीजिए उनकी जेब में है जिनको उन्होंने चाह उनको, उनको उनका पार्टी का टिकट दिया जिनको उनको बीजेपी को हरवाने के लिए वोट इक्वेशन करने का उनको इच्छा रहा वहां उन्होंने उसी कैंडिडेट को दिया है कांग्रेस पार्टी पहली बार मैंने देखा उड़ीसा में कई सालों से उड़ीसा के पॉलिटिक्स का, का प्रैक्टिस न हूं कांग्रेस पार्टी बीजेडी की कहने पे कई बार अपने असेंबली और लोकसभा की टिकट बदला है कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता इस विषय को कह रहे हैं उड़ीसा में सब जानते हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में कोई फैक्टर नहीं है एक आधा कोई एक आधा, एक आधा जगह पे है कांग्रेस पार्टी एक प्लेयर ही नहीं उड़ीसा की पॉलिटिक्स में जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं।